अच्छा साहब, अब दिल पे हाथ रखकर चले आइए 1979 की चोटी की पायदान नंबर वन पर। यहां हमारे आपके अमिताभ बच्चन फिर चले आए हैं गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर 47 में। यूं समझिए कि इस गजब के ऑडियो सीडीज के सिलसिले के आखिरी पैक में आपसे ये कहने कि अब बस तीन और वॉल्यूम्स के बाद, यानी वॉल्यूम नंबर 48, 49 और 50 के बाद तो हम और आप बिछड़ जाएंगे भाई, और यही कहते रह जाएंगे कि ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जी हाँ बहनों भाइयों, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत 1979 का टॉप हिट गीत नंबर वन था। किशोर कुमार और आशा भोसले ने इसे कल्याण जी आनंद जी के निर्देशन में गाया था, गीतकार थे अनजान। मगर बहनों और भाइयों, आज का ये वॉल्यूम नंबर 47 यहीं पर ख़त्म नहीं होता। जी हाँ, एक बात और बतानी है आपको उन बरसों की गीतमालाओं के बारे में जो मैंने पहले नहीं बताई थी। उन दिनों मैंने एक ख़ास बात और बढ़ा दी थी गीतमाला में। आप तो जानते ही हैं ना कि गीतमाला के दो बड़े फिल्म प्रोड्यूसर सलाहकारों ने कई साल पहले ये सुझाव दे रखा था कि जो गीत गीतमाला में 18 हफ्तों तक बज जाए, या बाद में तो ये हुआ कि 25 हफ्तों तक बज जाए, तो उसे सरताज गीत का टाइटल देकर रिटायर कर देना चाहिए। मगर कुछ साल बाद मैंने एक कदम और बढ़ाकर ये करना शुरू कर दिया था कि सरताज बनने के बाद भी पॉपुलैरिटी के हिसाब से रिटायर्ड गीतों को जो नंबर मिलते रहते, उनके बिना पर मैं सालाना प्रोग्रामों में उन गीतों को भी उन्हीं नंबरों के मुताबिक सिर्फ झलक के रूप में बजा दिया करता था। ये खबर मैंने आपको गीतमाला की छाव में पहले नहीं दी, क्योंकि भाई इससे तो हर वॉल्यूम का समय और भी बढ़ा देना पड़ता। तो खैर, 1979 के इस वार्षिक प्रोग्राम के सिलसिले में मैं सिर्फ दो ऐसे सरताज यानी रिटायर्ड गीतों की झलकें भी बजाऊंगा जो उस साल और उसके पिछले साल भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। तो भाई इस तरीके में 1979 में एक तो पायदान नंबर 4 और 3 के बीच बजी थी झलक इस गीत की।